वालेकुम गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो भाई मैं खड़ा हुआ हूँ उठ के माशाल्लाह, और अभी अम्मी ने सामान लेने के लिए बोला है तो अभी नीचे जा रहा हूँ। और आपको मैं हुसैनाबाद दिखाऊंगा पूरा कि कितनी रश होती है हुसैनाबाद पर, और स्टॉल विस्टॉल भी रखते हैं इफ्तारी के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और भाई सब्सक्राइबर बढ़ना रुक गया यार, ऐसा तो नहीं करो, आपका भाई इतनी मेहनत करता है तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ नीचे। यार ये घर का सामान लेने के लिए आया था, यहाँ पर देखें अफ्तार की तैयारी हो रही है। यहाँ पर वहाँ पे भी स्टॉल लगा हुआ है और अफ्तार में अभी एक ही घंटा बाकी है, अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दी है। ये भी यहाँ पे फिर गली के अंदर भी स्टॉल लगा हुआ है, और ये है लाल मस्जिद। लाल मस्जिद के पास यहाँ पे भी स्टॉल लगा हुआ है, सामने भी लगा हुआ है और उस सब भी लगा हुआ है, और रश तो भरपूर है भाई। आगे एक रोल समोसे की दुकान है, वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये मालपुरे वाला, ये शरबत वाला, और ये रोल समोसे की दुकान है। इफ्तार करके खड़े हो चुके हैं, और लिटरली इफ्तार से पहले इतनी एनर्जी थी, इफ्तार करने के बाद बिल्कुल खुश। अभी मैं लेटा हुआ हूँ यहाँ पे और मेरे को पढ़नी है मगरिब, मगरिब की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बस कोशिश कर रहा हूँ कि मगरिब हो जाए, छूटे नहीं मगरिब में भी। वैसे भी मैं जमात तो मेरी निकल गई है मगरिब की, तो घर पर पढ़ता हूँ मैं। तो भाई हिम्मत करके मगरिब तो हो गई मेरी, मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ ली है, अभी तरावी बाकी, तो तरावी के लिए जा रहा हूँ। और इस कपड़ों में तो नहीं जा सकते, तो कपड़े बदलता हूँ। तो भाई रेडी हो चुका हूँ मैं, तो अभी चाहते हैं तरावी पढ़ने, आप भी आए हमारे साथ। तो भाई तरावी पढ़ के आ चुका हूँ मैं, और बताऊँ क्या हुआ, अचानक सर में दर्द हो गया मेरे, हम भी सो गए और अभी मैं भी सो रहा हूँ। यानी अचानक सर में दर्द होने स्टार्ट हो गया, तो मैं सो रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक कोई।